गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू आपके लिए फिर से एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ रीजनिंग में। आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर क्लासेस कोटा। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी फटाफट टाइम बर्बाद नहीं करके और फटाफट मेरे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए और फटाफट शेयर कीजिए और जुड़ते हैं हमारी क्लास में। किस प्रकार से हम टेस्ट कर रहे थे, रैंकिंग टेस्ट, हमारा टॉपिक था रैंकिंग। रैंकिंग रैंकिंग मतलब क्रमांक, क्रमांक। दोस्तों आपको पता है रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग का मतलब होता है एक क्रम से व्यवस्थित करना, व्यक्तियों के पंक्ति में बिठाना। ऐसे लाइनें होती है और पंक्तियों में आपको पंक्तियों के अंदर किस प्रकार से व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके क्रम बताना होता है। कि जैसे बोला होता है दाएं से इतने पे बैठा है, बाएं से इतने पे बैठा है, पंक्ति में कितने लोग हैं, इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, उनको देखा जाता है। तो रैंकिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और उसका बेसिक बताया मैंने, और यूट्यूब पे बेसिक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं मेरी क्लास को लेके। दोस्तों क्रमांक में हम पढ़ रहे थे कि इसके कंसेप्ट देख रहे थे कि इसमें कंसेप्ट क्या है, इसके अलग अलग कंसेप्ट थे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ आपको पिछली वाली क्लास का, कि इसमें कंसेप्ट ये थे कि पहला कंसेप्ट ये है कि जब किसी व्यक्ति का स्थान, जब किसी व्यक्ति का स्थान दाएं से और बाएं से, पंक्ति के अंदर कितने भी व्यक्ति हो उससे मतलब नहीं है, पंक्ति में आपके 10 20 50 100 आदमी बैठे हो उससे मतलब नहीं है, आप ये देखेंगे कि पंक्ति के अंदर किसी एक व्यक्ति का स्थान दाएं ओर से या बाएं ओर से दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, और फिर आपको ये बताना है कि टोटल कितने लोग हैं पंक्ति में, तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट यही है, किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया गया हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये। पहली बात तो आपको इसमें यह याद होना चाहिए कि इस प्रकार की जो पंक्ति होती है उस पंक्ति में दायां किधर होता है और बायां किधर होता है, दायना दायने और बाएं और किधर होता है, आपको ये देखना होता है। तो पहले ये बताया था मैंने कि जब व्यक्ति का मुख हमें पता नहीं हो किस दिशा में होता है तो उसका मुख हमेशा उत्तर दिशा में ही रखते हैं हम। किस दिशा में रखते हैं? उत्तर दिशा में रखते हैं। पहली बात तो ये, अगर आपको या तो खुद ही दे देगा कि इसका मुख उत्तर दिशा में है, कोई व्यक्ति है ए बैठा हुआ है जिसका मुख उत्तर दिशा में है, ठीक है, तो जब उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तब उसका ये वाला भाग लेफ्ट होता है और ये वाला भाग उसका राइट होता है। अंडरस्टैंड? ये सबसे पहले आपको सारे काम छोड़ के ये याद होना चाहिए, लेफ्ट किधर है और राइट किधर, समझ रहे दोस्तों बात को? ये लेफ्ट, जो लेफ्ट होता है उसे बायां बोला जाता है, लेफ्ट को बोला जाता है बायां, और जो राइट होता है बोला जाता है दायां। ये लेफ्ट है और ये राइट है। अंडरस्टैंड? अब इसकी कंडीशंस ये हुई। अब इसी में ये दूसरी बात आती है कि यदि व्यक्ति का मुंह किधर हो, यदि व्यक्ति का मुंह नीचे की ओर यानी कि दक्षिण की ओर। दोस्तों पहली बात तो ये है, आप नोट कीजिए मेरी बात को, कि एग्जाम में जिस ओर आपका मुंह रहेगा, जिस ओर आप मुख करके बैठे हुए हैं वही आप उत्तर डायरेक्शन मानेंगे। तो क्या मानेंगे? वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन रहेगी, जिस ओर आपका मुंह है, चाहे आप पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो भी आपको नॉर्थ मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? तो जब इसका मुंह दक्षिण दिशा में है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैं खड़ा हुआ हूँ ऐसे, तो ये वाला मेरा राइट है और ये वाला मेरा लेफ्ट है, क्योंकि मेरा मुंह किस ओर है? उत्तर की ओर है, मेरे लिए कॉफी है। बाय द वे, ये जो लिखा हुआ है एलईडी हमारे लिए, ये मेरे लिए कॉफी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। अंडरस्टैंड? अब आपको बता देते हैं, ये वाला लेफ्ट वाला हाथ होता है, ये जो लेफ्ट वाला हाथ है, इस लेफ्ट वाले हाथ को ध्यान से देखिए, इस लेफ्ट वाले हाथ को ध्यान से देखिए, जिस ओर
ये जो इस लेफ्ट वाले हाथ को अगर हम ऐसे रखते हैं, लेफ्ट वाले हाथ को, या फिर इसको ऐसे करके रख सकते हैं, जिधर से लेफ्ट को लेंगे दोस्तों, ये वाला लेफ्ट, लेफ्ट हैंड हमारा है, इसी को लेंगे। इस लेफ्ट हैंड को जैसे ये रखते हैं, तो जिधर हथेली होती है हमारी दोस्तों, ये हथेली है, इस तरफ देखिए आप, इधर हथेली है, जिस तरफ हथेली होती है हमेशा उधर राइट होता है, और जिस तरफ ये जो हमारी स्क्रीन होती है, इस तरफ हमारा लेफ्ट होता है। समझ में आया आपको? इस हाथ को किधर भी ले जाइए, जैसे अब इस तरफ रखा हमने इस हाथ को, तो ये दोस्तों ये देखो यहाँ, ये वाला हथेली नीचे, तो ये राइट है, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ऐसे चलाते जाइए, ऐसे इस प्रकार से न्यू आया, ऐसे है, तो ये इस तरफ स्क्रीन है, तो जिस तरफ स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो लेफ्ट बोलते हैं, और ये हथेली की तरफ ये क्या हो गया, राइट हो गया हमारे पास। देख रहे दोस्तों आप, लेफ्ट राइट जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है, पर ध्यान रखना इसमें राइट हैंड यूज नहीं करेंगे, जिसने राइट हैंड को यूज किया है ये प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, है ना, लेफ्ट राइट बिगड़ जाएगा उसका। ये जो लेफ्ट हैंड है, इसी को यूज करेंगे, कहीं भी रखिए आप दोस्तों इसको, जैसे यहीं पे था तो मैं ऐसे रख के देखता हूं, तो इस तरफ हथेली है, हथेली की तरफ राइट होता है, और ऊपर की और स्क्रीन की तरफ लेफ्ट होता है। यहाँ पे मैंने ऐसे रखा तो हथेली की तरफ अब क्या हो गया, हथेली की तरफ ये राइट हो गया, और इस तरफ ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो जब आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ ईस्ट को बोलते साउथ है, ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में अगर आपका मुख है तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। देखने लगता दोस्तों कोई प्रॉब्लम होगा लेफ्ट राइट में, आपको इस हैंड, अपना लेफ्ट हैंड है, इसको ध्यान में रखिए, ये वाला हथेली होती है वो राइट होता है, और ये वाला इसका लेफ्ट होता है। अंडरस्टैंड? अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हम क्लियर कर चुके थे, लेकिन बच्चों जब आपको ऐसी कंडीशन पता नहीं होती है, जब ये कंडीशन आपको पता नहीं रहेगी, तो आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे बताइए, लेफ्ट राइट में भटकते रहेंगे, अंडरस्टैंड बिठाएंगे लोगों को तो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत अच्छी बातें हैं इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक है, और हंसते खेलते इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे, ये नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो मैं ये बता रहा था कि इस प्रकार से कंसेप्ट एक में ये बताया गया कि जब किसी व्यक्ति का स्थान किसी रो में, इस लाइन में किसी व्यक्ति का स्थान किसी रो के अंदर कहीं पे दिया गया हो, यहाँ पे जैसे ये दिया गया है कि एक पंक्ति, में बाएं ओर से, आपको पता है एक पंक्ति में बाएं ओर से ए का स्थान 15वां है, ये 15वां बाएं ओर से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में ए का स्थान दाएं ओर से 8वां है। दोस्तों ये बता दिया, एक ही पंक्ति है, बाएं ओर से बोला उसने, अब एक व्यक्ति की बात करें तो किधर से भी बिठा दो आप, बिठा सकते हैं, लेकिन बाकी व्यक्तियों की बात करेंगे तो अगर अनसन बिठाया आपने, अलग अलग तरीके से बिठा दिया, तो गलत हो जाएगा, फिर आपको लेफ्ट राइट याद होना चाहिए उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बाएं ओर से 15वां है, और ये राइट से क्या है उसका, 8वां है। तो बताओ पूरी लाइन में कितने लोग हैं, इस पूरी लाइन में यहाँ से यहाँ तक कितने बैठे हमें पता नहीं है। दोस्तों मैंने बताया था कि इसको और इसको ऐड करेंगे, 15 प्लस 8, दोनों को ऐड किया तो 15 और 8 कितने होते हैं, 15 10 8 को ऐड किया तो 23 हो गए। लेकिन आप एक बात बताइए कि एक ही आदमी है हमारे पास जो ए है, इसको हम इधर से भी गिन रहे हैं, 15 नंबर पर आ रहा है, इधर से गिन रहे हैं, और इधर से गिना जो 8वें पे आ रहा है, तो ये जो ए वाला व्यक्ति है इसको हम 2 बार गिन रहे हैं, कितनी बार गिन रहे हैं, 2 बार गिन रहे हैं। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को हम 2 बार गिन रहे हैं वहां पे तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक आदमी को हम दो दो बार गिन रहे हैं, तो हमारा आंसर करेक्ट तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एक माइनस कर दो इसमें से, कितना आ गया हमारा 22, 22 हमारा आंसर आया है। मैंने आपको बता चुका हूं, मैं इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं इसलिए कि ये कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि बेसिक यही होते हैं, अगर आपका अच्छा कर लिया तो इसमें बाकी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस तो मैं एक एक चुटकियों में आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा इसके, और आप खुद ही करेंगे, मेरी जरूरत ही महसूस नहीं होगी आपको,
आप अच्छे से बेसिक पढ़ेंगे तो आपको मेरी जरूरत महसूस नहीं होगी। आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं कोई सी भी बुक्स हो। और दोस्तों मैं तो कई बार आपको बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको यहाँ पे अपने चैनल पे आपको बताऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा उस चीज़ को, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम, मेरे साथ जुड़ के आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मेरे सामने आप क्लास में बैठे हो। तो मुझे बहुत खुशी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे मुझसे यहाँ पे, तो और मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा इधर दोस्तों। जब तक आप नौकरी नहीं लगेंगे मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, तो टेंशन मत लीजिए आप। अब इसी प्रकार से सेकंड कंसेप्ट है हमारा, जिसमें मैंने बताया था कि एक व्यक्ति का, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं हम, ज्यादा डिटेल्स नहीं करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं। कंसेप्ट सेकंड ये था कि किसी रो में, किसी लाइन में, जैसे ये रो है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, हमें पता नहीं कोई व्यक्ति बैठा हुआ, मान लो यहाँ पे इधर बिठा दिया, इसमें है, ने बोला कि लेफ्ट से आठवां स्थान है किसी व्यक्ति का और राइट से उसी व्यक्ति का दसवां स्थान है, ऐसे बोल दिया उसने। लेफ्ट से किसी व्यक्ति का कौन सा स्थान है आठवां और राइट से उसका कौन सा स्थान है दसवां। तो ये लेफ्ट से तो कौन सा स्थान बना दिया मैंने, आठवां बना दिया, और इधर से कौन सा बना दिया इसका, दसवां बना दिया। पर लेकिन दोस्तों हमें इसमें पता नहीं कि इनका मुंह किधर है, इनका मुंह पता नहीं है, या तो क्वेश्चंस में लिख के देगा उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, या तो ऐसे लिखा होगा। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो फिर हम बिठा देंगे उत्तर की तरफ मुंह करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने मन से कभी भी उनको दक्षिण या पूरब की ओर मुंह करके कभी नहीं बिठाना, अंडरस्टैंड। हमेशा इनको किस दिशा में बिठाएंगे, उत्तर डायरेक्शन में बिठा। अब यहाँ पे है, इसी में लेफ्ट से आठवां और राइट से दसवां है, तो बताओ दोनों के बीच कितने लोग हैं, दोनों के बीच कितने व्यक्ति है? दोनों के बीच कितने व्यक्ति है? ये है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि इस लाइन में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं हमें पता नहीं है। अब उसने बता दिया कि आगे से गिनते गिनते आया वो और आठ तक रुक गया, और इधर से गिनते गिनते आया और दस तक रुक गया। तो दोस्तों हमें तो यही पता नहीं कि लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं। अब लाइन में हमें पता नहीं कि कितने लोग बैठे हुए हैं, जब हमें ये पता नहीं है कि कितने लोग हैं इसमें, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी होगी, कितने लोग बैठे होंगे इसमें, हमें पता ही नहीं है ना। जब पता नहीं कि इस लाइन में कितने लोग हैं, आगे तो आठ है और पीछे दस है, तो कुल मिला के 18 लोग थोड़ी है, बीच में कितने हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं है। अब जब हमें जिस के बारे में पता नहीं है दोस्तों, के बारे में एक बात बताइए, हम कैसे निकाल सकते हैं, आइडिया भी नहीं लगा सकते इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस, अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है, आपका ऐसा कंसेप्ट बनता है, तो ऐसे कंसेप्ट का एक ही आंसर होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्याप्त आंकड़े नहीं है। अब निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये हमारा आंसर हुआ। ध्यान रखना इस कंसेप्ट को, ऐसा अगर आता है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जबरदस्ती टिक नहीं लगाना किसी भी आंसर्स में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कई सारे कंसेप्ट और मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, तीन चार कंसेप्ट हो चुके हैं हमारे, तो आगे और बढ़ते हैं इसमें और क्वेश्चंस करते हैं।
दोस्तों आज अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, अपना अगला क्वेश्चन से। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ कैसा लगा, आप इस बात को भी कमेंट करके मुझे बताइए। अगर मेरे अंदर कुछ कमियाँ रहती है आपको पढ़ाने में तो मुझे बताइए, मैं और उसको और बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मेरे से कोई कंसेप्ट छूट गए हो तो आप मुझे याद दिलाइए, मैं उसको भी पूरा कराऊंगा। यहाँ पे रैंकिंग, रैंकिंग चल रहा था, रैंकिंग में एक बात आई थी हमारे पास कि आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है इसका अगले कंसेप्ट में देखेंगे। कई बार ऐसी बात आती है कंसेप्ट में, इस वाले में जो बात होती है, एक व्यक्ति, क्वेश्चंस लिखाता हूँ फिर आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, क्वेश्चन से ईशा का बाएं ओर से किसी पंक्ति में निशा का बाएं ओर से किसी पंक्ति में 15वां स्थान है तथा दाएं ओर से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, केतु का 30वां स्थान है यदि ये आपस में स्थान बदल लेते हैं, आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ईशा का बाएं ओर का बाएं बाईसवां स्थान हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति पंक्ति में कुल कितने, देखो क्वेश्चंस लिखा दिया मैंने, कुल कितने लोग पूछा उसने, निशा का बाएं ओर से किसी पंक्ति में 15वां स्थान है, ये 15 लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ और मत कर दे सब, बाएं ओर से किसी पंक्ति में 15वां स्थान है तथा दाएं ओर से जीतू का 20वां स्थान है यदि ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो निशा का बाएं ओर से 22वां स्थान हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अगला कंसेप्ट तैयार हो गया दोस्तों, यह है कि जब इस कंसेप्ट का नाम रहेगा, जब स्थान कोई व्यक्ति अपना स्थान अदल बदल कर लेता है तो टोटल स्टूडेंट्स, द नंबर्स ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना हो आपको तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे व्यक्तियों को, कैसे करेंगे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ऐसे एक पंक्ति बना लेते हैं, पंक्ति बना लीजिए,
या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लेफ्ट है, पता नहीं है इसमें कि किस और वो करके बैठे, तो मैंने बताया था आप इसको किस डायरेक्शन में मानेंगे, किस डायरेक्शन में करके बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये देखिए कि ये लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट तो हो गया, इसको बायां बोलते हैं, दायां बायां हिंदी में याद जरूर रखिए दोस्तों, हिंदी में दायां बायां आप याद रखिए, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम को, दायां बायां का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। दायां बायां कई सारे बच्चे गए लास्ट तक आ जाते हैं तो भी उनको दायां बायां का ज्ञान नहीं होता है, ध्यान रखिए। लड़कों को बता देता हूँ मैं कि आपकी जो जेब होती है, पॉकेट होती है, जो पॉकेट होती है उस तरफ हमेशा लेफ्ट होता है, पॉकेट की तरफ हमेशा लेफ्ट होता है। तो ये दायां और बायां बिठाए, निशा का बाएं ओर से किसी पंक्ति में 15वां स्थान है, ये यहाँ पे ये निशा बैठी हुई है, निशा का स्थान कौन सा है, 15वां, बाएं ओर से 15वां स्थान है ये निशा है। और इस तरफ से दाएं ओर से जीतू का स्थान जो है लिखा हुआ है, ये हाँ लिखा हुआ, जीतू का स्थान कौन सा भैया, ध्यान से देखो, इसमें ये 15वां था और जीतू का स्थान है 20वां, जीतू का स्थान 20वां है दोस्तों। जीतू कौन से नंबर पे बैठा है, 20 पे, और ये 15 पे बैठा हुआ है। तो अब अगर यू कह रहा हो कि अगर इनका स्थान अदल बदल कर दे, आगे अदल बदल करने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि इसको तोपकैया बिठा दो, इसको तोपकैया बिठा दो, ऐसा नहीं। अदल बदल करने का मतलब ये होता है कि इसको कहीं और भी सरका सकते हैं, इसको कहीं और भी बिठा सकते। अगर अदल बदल कर दूंगा मैं तो ये यहाँ पर आया तो ये स्थान इधर से 20वां रहेगा, इधर से इसका 15वां हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं। अदल बदल का मतलब इनको कहीं बिठा दिया है या कहीं अपनी जगह व्यवस्थित किया है। तो अब न्यू कह रहा वो कि जो ये पहले जो आ रहा था निशा का स्थान, वो क्या हो गया, अब वो बाएं ओर से अब कौन सा हो गया दोस्तों, 22वां हो गया, बाएं ओर से कौन सा हो गया, 22वां हो गया। तो बाएं ओर से इस ओर से इसका स्थान कौन सा हो गया, बाएं ओर से 22वां। मैं तो न्यू मानता हूँ दोस्तों, पढ़ने के लिए आप तो सीधे तरीके से यूज करो इसको, जहां जहां पे आपको बायां दे रखा है और उसकी जो डिजिट दे रखी है तो बाएं के नीचे बाएं वाली संख्याओं को लिख दो और दाएं के नीचे दाएं वाली संख्याओं को लिख दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया आपको, नहीं आया, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पंक्ति में बाएं ओर से 15, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाएं ओर से, स्थान बदलने से निशा का स्थान बाएं ओर से 22वां हो जाता है, ये फिर लिखा हुआ है ये 22वां हो गया, समझ में आ रहा आपको, यहाँ से 22वां लिखा हुआ है, यहाँ भी बाएं ओर से, यहाँ बाएं ओर से लिखा हुआ स्थान, यहाँ भी बाएं ओर से, तो बाएं के नीचे हमने बाया लिख दिया। ठीक है, इतना सा तो कर सकते हैं आप, बाएं के नीचे बाएं लिख दिया। अब वो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार से जो गिवन है ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको आप जो गिवन है इस गिवन को ऐड कर दीजिए, इस गिवन को ऐड करके -1 करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 22 + 20 - 1 कर देंगे, कितना हो गया, 42 में से गया तो 41, कितने स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे जो गिवन है टोटल्स नंबर्स ऑफ पीपल्स कितने हो गए हमारे पास, 41 स्टूडेंट। बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से देंगे ना तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, यहीं पे इसको जमा सकते हैं बाएं बाएं ये, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत मजे आएंगे दोस्तों। अरे रीजनिंग तो मजेदार सब्जेक्ट होता है, बहुत मजे आते हैं इसमें, बहुत अच्छी अच्छी चीज आती है और आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपको ये अच्छा आने लग जाता है रीजनिंग, तो आपके अंदर बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अच्छे कॉन्फिडेंस रहेगा तो एग्जाम तो ऐसे ही इजीली पास कर देंगे आप, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बने रहिए मेरे साथ,
बहुत अच्छा, आपको बताता जाऊंगा, आपको समझाता रहूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें तो पूछा गया था कि टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई अब नया स्थान क्या होगा। कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में यही आता है, इसी के अंदर और पूछ लिया जाता है उसका। जैसे इस कंसेप्ट को समझने के लिए अब अपने को नया स्थान, नया पैलेस ढूंढना है। उसके लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगले कंसेप्ट वाले पर आधारित है। इसमें लिखा हुआ है किसी पंक्ति में, पंक्ति मीन्स रो लाइन, किसी पंक्ति में पिता बाएं से आठवां और दाएं से ग्यारहवां, ग्यारहवां है। यदि ये आपस में अपना स्थान बदल लेते, ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दाएं ओर से किसी पंक्ति में पी का स्थान बाएं ओर से आठवां है, आठवां, और यहाँ पे थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा, नाम नहीं लिखा अपनों, और क्यू दाएं ओर से ग्यारहवें स्थान पर है। यदि आपस में, अरे भाई यार स्थान कौन बदलेगा, एक आदमी अपना स्थान इधर से उधर करेगा तो उसको तो अपने पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें देखिए कि ये पी है और ये क्यू है, अब इसने अपना स्थान बदल लिया, तो पहले जो ये क्यू ग्यारह दाएं ओर से ग्यारहवें स्थान पे था, यदि ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अब दाएं ओर से क्यू का, दाएं ओर से क्यू का 16वां स्थान हो जाता है, 16वां स्थान हो जाता है। तो पी का स्थान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्तों? क्वेश्चन क्या है, किसी पंक्ति में पी का स्थान दिया गया हो एक साइड से, दूसरी साइड से दूसरे व्यक्ति का स्थान दिया गया हो जैसे क्यू है, अब ये अपने स्थानों को अदल बदल कर लेते हैं, तो भैया एक का स्थान बदल गया तो दूसरे का भी बदलेगा, क्योंकि उसने कहा कि दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो दोनों बदल रहे हैं तो कोई उनका नया स्थान तो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका डायरेक्शन बढ़ाते हैं वापस, ये इसमें मुख नहीं दिया हुआ है तो ये लेफ्ट मान लेते हैं, इस साइड को राइट है, इनका मुख इधर रहेगा, पी और क्यू का, ये पी है और ये क्यू, ये पी और ये क्यू। पी का स्थान बाएं से कौन सा है, आठवां है, बाएं ओर से आठवां है और इसका ग्यारहवां स्थान है। अगर स्थान अदल बदल कर लेते तो इस ओर से, राइट का मतलब जानते हो क्या होता, तो बोलते दायां, तो बार बार ही बात कर रहे हैं हम, दायां बोलते हैं तो बायां बोलते हैं, तो बायां बोलेंगे।
अब स्थान बदलने के बाद क्यू का स्थान 16वां हो जाता है। राइट से क्यू का स्थान कौन सा हो रहा है? दाएं लिखा हुआ है, ये दाएं लिखा हुआ है, दाएं ओर से का स्थान 16वां हो जाता है, ये 16वां हो जाता है। तो बताइए इसका नया स्थान क्या होगा, आपको ये बताना है। दोस्तों बहुत आसान है, किसी क्वेश्चंस में दो कर सकते हैं, पर आपको बताते हैं। पहले देखिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 11 और 5 16, कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, तो इधर भी 5 का डिफरेंस बनाओ, 8 में 5 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 5 8 13, ये 13 आया, जो 13 आया वही आपका क्या है? आंसर। नया स्थान क्या होगा पी का? 13वां स्थान पी का हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं आया इसको? यहाँ पे आप जो गिवन है, आपको जो गिवन हो रहा है उस गिवन को आप देखिए कि इसमें कितने का डिफरेंस है। हो सकता है कि ये दोनों इधर दिए गए हो, तो इधर डिफरेंस देख के इधर कैलकुलेट कर लेंगे। इधर आपको खाली जगह दिखेगी, उधर आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो गिवन है, इस गिवन में डिफरेंस देखना है कितने का डिफरेंस है, वही इधर ऐड करना है। जो डिफरेंस इधर है उसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में अगर वो कुछ पूछ लेता है कि टोटल्स नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल्स नंबर्स ऑफ पीपल पूछ लेता है, तो मैंने आपको वो भी सॉल्व करना बता रखा था कि इसको इसके साथ में लास्ट, और ये यहाँ पे जगह खाली है, इसको देखिए आप, इस दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करने को मिल जाएगा और आप निकाल सकते हैं इसको इजीली। मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको दोस्त अच्छे से? तो आप अगर निकालना चाहें इसमें टोटल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, टोटल नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे तो दिया हुआ है, बार बार ही बोले सर स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं, तो भैया तुम इस आप आसानी से सकते हो, इसलिए मैं स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ। इसमें देखिए तो इसको कैसे ऐड करेंगे, 8 प्लस, अभी आल बताया था मैंने इससे पहले वाले कंसेप्ट में, 8 प्लस 13 माइनस 1, 8 प्लस 13 माइनस 1, इन दोनों को ऐड किया 21 हो गया, 21 माइनस 1 बराबर 20। समझ में आया आपको? पूरी लाइन में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? टोटल्स लोग 20 लोग्स बैठे हुए हैं। ऐसे आप स्थान भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका टोटल्स नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसा कंसेप्ट आपके पास है, ऐसा कंसेप्ट आपके पास आता है दोस्तों, इस कंसेप्ट से संबंधित आपके पास कोई क्वेश्चंस हो वो मुझे जरूर बताएं, मैं उसके बारे में और ज्यादा क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अब जो मेरे जो क्वेश्चंस हैं, अब दोस्तों आप अच्छे से समझेंगे ना इनको, या कि कोई सी भी बुक्स क्यों ना हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपको बुक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सारी चीजें यहाँ पे मेरे कर सकते हैं, मेरे YouTube अपने चैनल पर देखिए, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ते चलेंगे मेरे साथ दोस्तों। वहां तक बढ़ेंगे हम, वहां तक आप झोंकने नहीं लग जाएंगे, उसके बाद आपके और दोस्तों, आपके दोस्त है, आपके साथी है, इन सब लोगों को चाहिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पे जुड़ के और लाभ उठाइए इसका। मेरे कोर्सेज को आप अच्छे से देख सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस पे मेरे कोर्स अवेलेबल है, आप अच्छे से सीखिए समझिए इसको। रैंकिंग में नेक्स्ट आता है, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन से कंसेप्ट है, ये तो हमारे कंसेप्ट है। अब तो क्वेश्चन से छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहेंगे, उसको अच्छे से सीखिए। क्वेश्चन शुरू करता हूं मैं, ये क्वेश्चन, किसी पंक्ति में किसी दोस्तों पंक्ति आती है, लाइनें होती है, उसको पंक्ति बोलते हैं। अगर आपका पंक्ति में इंटरेस्ट खत्म हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो आप लाइन लिख सकते हैं, लाइन वगैरह उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, किसी पंक्ति में
बाएं ओर से किसी पंक्ति में बाएं ओर से ए का 20वां स्थान है। और दाएं ओर से बी का 30वां स्थान है। दाएं ओर से 30वां स्थान है। यदि ये सॉरी यदि इनके बीच एक तिहाई छात्र बैठे हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। कुल छात्रों की क्या क्या होगी। किसी पंक्ति में बाएं ओर से ए का 20वां स्थान है और दाएं ओर से बी का 30वां स्थान है। यदि इनके बीच एक तिहाई छात्र बैठे हुए हैं तो पंक्ति में कुल छात्रों की क्या हो। बराबर इसमें ये नहीं बताया हुआ कि व्यक्तियों का मुख स्कोर है, तो आप इसमें यही मानेंगे कि व्यक्तियों का मुख किस तरफ बताएंगे भैया दोस्तों, उत्तर की ओर रखें। तो यहाँ पे पहला व्यक्ति ये बैठा हुआ है ए, इसका इसका नंबर्स कितना है 20, जैसे 20 नंबर्स पे बैठा हुआ है ये 20, इसको लेफ्ट और इसको राइट मानेंगे यानी बाया और इसको दाया, इसको बाया और इसको दाया, बाएं ओर से ए 20वें स्थान पर है और 20वें स्थान पर है और इधर से दाएं ओर से का स्थान जो दिया हुआ है बी का मुख तो उत्तर दिशा में है, ये 30, ये 30वां स्थान। इन दोनों के बीच एक तिहाई लोग बैठे हुए, इन दोनों के बीच एक तिहाई लोग बैठे हुए। दोस्तों आपको पता है ऐसे निकाल सकते हो तिहाई चौथाई वगैरह आते हैं, ये जैसे आपको अपने ले पे जाइए, अपने जो साउंड है मुख के साउंड से बनाइए। आप याद करने की जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स के बहुत सारी चीजों के, तो इसके अंदर आप अपने साउंड पे जाइए और उस साउंड के अकॉर्डिंग बात कीजिए। कैसे, एक तिहाई, ये तिहाई मतलब तीन होते हैं, एक तिहाई, दो तिहाई, ये दो तिहाई, एक चौथाई, एक चौथाई, समझ रहे, एक चौथाई, एक कभी सुना पांचाई, एक बटा पांच को क्या बोलते हैं एक पांचाई, एक छटाई, ये एक छटाई, बहुत सारे लिखना नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता, देखो मैं बता देता हूँ आपको, दो छटाई, दो छटाई, ये दो और छटाई, क्या क्या ऐसा नहीं, अगर उसने लिख दिया तो आप तो लिख सकते हैं ना, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे आप, एक तिहाई, ये एक तिहाई हो गया, दो तिहाई, ये दो और ये तीन आई, दो तिहाई। तो यहाँ पे एक तिहाई की बात कर रहा हूं, बीच में
कितने बैठे हुए हैं? एक तिहाई यानी 1/3। अब हमें पता नहीं किसी स्टूडेंट को 1/3 कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पता करना कि एक बीच में कितने लोग बैठे हैं, उसको फिर ऐड कर देंगे हम, कितने लोग बैठे हैं कितने नहीं बैठे। तो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, कुल छात्रों की संख्या पूछिए तो सबको ऐड कर देंगे उसमें, लेकिन बीच में कितने बैठे हैं ये तो पता करें पहले दोस्तों, तभी तो निकलेंगे। एक तिहाई। अब इस जो हमारे पास जो कंसेप्ट पड़ा हुआ है, इस वाली सिचुएशन को देख के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये जो पड़ा हुआ है क्वेश्चन जो हमने पूरी इसकी एक रूपरेखा बना के आपके सामने तैयार की है, वो आप भी मेरे साथ ही बने हुए थे, आपने भी देखा किस प्रकार से हमने इसको बिठाया, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा वैसे वैसे हमने लोगों को बिठाया और उसको सेट किया कि क्या करना है अपने को, अंडरस्टैंड। जब हमने इसको सेट कर दिया तो अब हम देखेंगे कि एक तिहाई का मतलब क्या है, कैसे बैठे हैं। तो आपको इसमें जानना पड़ेगा पहले दोस्तों कि जैसे ये एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है, तो एक तिहाई का मतलब होता क्या है। एक तिहाई का मतलब होता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, और 3 में से एक बीच में बैठा हुआ है। एक तिहाई का मतलब क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3, और 3 में से एक कहाँ बैठा हुआ है, बीच में। यानी कि ये हमारे स्टूडेंट्स हुए 1, 2, 3, समझ रहे हैं आप। इन 3 स्टूडेंट्स, 3 तिहाई हो गए, 1/3 हो गए, 3 में से एक स्टूडेंट्स कहाँ बैठा हुआ है, बीच में। 3 में से एक स्टूडेंट्स कहाँ बैठा हुआ है, बीच में, और दोनों तरफ एक एक बैठे हुए, समझ में आ रहा आपको, ये बता रहा हूँ। एक तिहाई का मतलब क्या होता है, वो चीज बता रहा हूँ। एक तिहाई का मतलब है टोटल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज 3, उसके अंदर एक स्टूडेंट्स 3 में से एक ऊपर बैठा हुआ है, एक तिहाई एक ऊपर बैठा हुआ है, मतलब स्टूडेंट से जिससे एक बीच में, दो अगल बगल में बैठे हुए हैं। अब ये बात यहाँ करते हैं, अब ये नहीं कह रहा कि इधर जो बैठे हैं वो कितने हैं, 20, और इधर जो बैठे हुए वो कितने हैं, 30, और बचा कौन, बीच में एक स्टूडेंट से जो आपको निकालना है। टोटल एक स्टूडेंट हमारे पास है, उसको निकालना है। तो आप इसको निकालेंगे कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसको निकाल सकते हैं हम आसानी से। कितना हो गया, ऐड करेंगे तो इधर एक स्टूडेंट्स, एक का मतलब मैंने अभी हाल बोला था कि एक है और ये एक है और बीच में भी कौन है, एक है। कुल मिला के कितने हो गए, 1, 2, 3 स्टूडेंट। 3 में से इधर वाले को 20 बोला, इधर वाले को 30 बोला, बचा कौन बीच में, एक, वो आपको कैलकुलेट करना है। बीच में जो बचा हुआ है एक, वो आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों, बहुत इजी। अंडरस्टैंडिंग कीजिए इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको समझ लिया, एक तिहाई की जगह 2/3, 2/4, 1/4 कुछ आ गए तो फिर क्या करेंगे आप लोग, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो मेरी ये जो बताने का तरीका आपको जो बता रहा हूँ, इसको आप जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना इजी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको भैया बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आप मानो या मत मानो, लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने उतर गए तो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ गलतियाँ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रटने के तो होते ही नहीं है, रीजनिंग तो अंडरस्टैंडिंग करने का है। बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, अपना ब्रेन को शार्प करने का है, अपने ब्रेन का यूज कीजिए कि क्या करना है मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं यही बता रहा हूँ कि 1, 1/20 है और ये वाला 1/30 है, लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि 1+1+1 यानी ये वाला 1 और ये वाला 1 इक्वल टू
20 + 30, मैंने दोनों को जोड़ दिया। इधर वाले जो गिवन है हमारे पास, एक का मतलब 20 और एक का मतलब 20, यानी ये जो एक और एक है ये इसके इक्वल है। ये वाला 120 है, ये वाला 130 है। कहने का मतलब एक का मतलब यहाँ पर 20 है और एक का मतलब 30 है। अब इनको हमने ऐड किया तो ऐड क्या हुआ, साइड साइड वाले स्टूडेंट्स ऐड हो गए, सामने से लेफ्ट से, ये लेफ्ट से 20 और राइट से 30 दोनों ऐड हो गए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है क्वेश्चंस को, बहुत इजी है। तो 1 + 1 यानी कि 2 इक्वल टू कितने हो गए 50। तो इससे इसको डिवाइड किया 25, यानी 1 इक्वल टू 25, यानी एक किसके बराबर हो गया, ये वाला जो बीच में एक था वो हम जो निकाल रहे थे वो एक किसके इक्वल टू हो गया, एक का मतलब 20। कितने हो गए बीच में, कितने बैठे हैं देखो दोस्तों, कितने बैठे हैं कैलकुलेट कर लिया हमने 25। आपको क्वेश्चंस में दो स्टेप प्राप्त हो जाएगी, इसमें आपको पूछ सकता है कि बीच में कितने, बताइए एक तिहाई बिठा रखे, एक तिहाई तो उसने बिठा दिया, लेकिन अब वो पूछ लेता बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसके एस के और बी के दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 25 स्टूडेंट्स है बीच में दोस्तों, ये 25 स्टूडेंट्स बीच में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अच्छे से किया आप लोगों ने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देख लीजिए, अगर वो पूछता टोटल स्टूडेंट्स जो पूछा गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, तो आप निकाल सकते हैं 20 इधर है, 30 इधर है और 25 इधर है, तो 50 और 25 75, कितने स्टूडेंट्स है टोटल 75 स्टूडेंट्स आपके पास निकल सकते हैं। पूरी लाइन में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 25 है। दोस्तों कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया हो समझ में तो यस कीजिए, नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आया। इन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा आपको अच्छे से समझाने की फिर कोशिश करूंगा, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, मैं क्वेश्चंस को बता रहा हूं। इसी क्वेश्चंस में अगर आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कहीं और बात आ जाती है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ा के इसी में देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चंस में अपने को पूछता है कि लेफ्ट से एक पंक्ति क्वेश्चन से एक पंक्ति में लेफ्ट से, ऐसे डायग्राम से मेंटेन करा देता हूं मैं, ये लेफ्ट है और ये राइट है, एक पंक्ति में लेफ्ट से पी का स्थान ऐसे लिख सकते हैं 30वां है, 30वां है, उसी पंक्ति में राइट साइड से ये क्यू का स्थान, अब आगे लिख सकते हैं अपने क्यू का स्थान 30, 40, 50वां है, ये लिख दिए। इसी पंक्ति में पी का स्थान कौन सा है 50वां है। दोस्तों समझ में आया, लेफ्ट से 30वां स्थान है पी का और राइट से क्यू का स्थान कौन सा है 50वां स्थान है, समझ में आ रहा दोस्तों। तो अब इसको देखिए आप, लेफ्ट से और राइट से जो आपको गिवन है वो गिवन के बीच में कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे फिक्स तो होता ही नहीं कि एक तिहाई आएगा, आधे आधे भी आ सकते हैं, 1/2 हो सकता है, 1/5 भी आ सकता है। 1/5 होता है क्या, देखा आपने 5 कभी यूज किया, 5 1/5 भाग तो पड़ा है लेकिन 5 ही नहीं पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे 1/5 यानी कि दोनों के बीच में विद्यार्थी या स्टूडेंट्स कितने बैठे हुए हैं, 1/5 बीच में बैठे हुए, तो बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं आपको कैलकुलेट करना है पी और क्यू के बीच कुल कितने विद्यार्थी। कुल कितने विद्यार्थी, ये भैया अभी जो लिखा ना अपनों ने क्वेश्चन ही है, अभी तो क्वेश्चन से
मैंने क्वेश्चंस को इस तरह से बना दिया इसको कि आप समझ सकते हैं। इसी में क्वेश्चंस है, किसी पंक्ति में बाएं ओर से पी का तीसवा स्थान है तथा दाएं ओर से क्यू का कौन सा स्थान है। ये जो आर है ना किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये लेफ्ट है, दाया भाग है ना, ध्यान रखना। उसी पंक्ति में क्यू का स्थान दाएं ओर से पचासवा है। यदि पी और क्यू के बीच में एक बटा पांच, पी और क्यू के बीच में आपको नजर आ रहा है, समझ रहे क्वेश्चन को, एक बटा पांच स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं दोनों के बीच में, क्या समझ रहे हैं कितने बैठे हैं, एक बटा पांच हो गए ना, पहले कितने थे, एक बटा तीन थे, एक बटा छह हो सकते हैं, एक बटा सात भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या समझ रहे हैं मेरे से क्लास में। अगर मेरे से क्लास अच्छी समझ रहे हैं आप, कुछ भी आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। एक बटा पांच का मतलब ये है, एक लाइन बनाते हैं फिर से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आप देखिए जो पी बैठा हुआ है, ये पी जो यहाँ पे बैठा हुआ है ये लेफ्ट है, ये राइट है, एक बार फिर से देखेंगे। और ये जो क्यू बैठा हुआ है इधर से इसका तीसवा स्थान है, ये इसका जो तीसवा स्थान है और इधर से इसका स्थान दिया हुआ है हमारे पास पचासवा स्थान है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए, अच्छे से इसको माइंडली फ्रेश होकर देखिए कि इसको क्या हो रहा है इसमें। अब हमारे पास एक बटा पांच स्टूडेंट्स है, बीच में कितने हैं, एक बटा पांच स्टूडेंट्स बैठे हुए। तो अभी हाल वही सिचुएशन फिर से आ गई हमारे पास, यार करना क्या है इसको, एक बटा पांच आ गए। एक बटा पांच का मतलब ये, अगर दोस्तों आपको आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं फिर भी आप अच्छे से समझे कि इसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई, आपके क्वेश्चन सोल्व करने में कमी हो गई, तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का दोबारा मौका तो आता है लेकिन एग्जाम चला जाता है, उसके बाद कई सालों तक प्रॉब्लम आते हैं, कई एग्जाम नहीं आ सकते हैं, हमारा टाइम निकल जाता है, कई स्टूडेंट तो ओवर एज हो जाते हैं, तो ओवर एज हो जाएंगे तो कैसे देंगे दोस्तों। इसलिए हमेशा ये मान के चलिए कि जो कंपटीशन निकला हुआ है या जो भर्ती आई हुई है रेलवे की है, बैंकों की, जो भी है दोस्तों, ये तुम्हारे को लेने के लिए आई है, ते इसको कभी खोना नहीं है दोस्तों, इसमें जुड़िए और इस कंपटीशन में जी जान लगा के मेहनत कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता निश्चित रूप से आप ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और उल्टी किताब करके पढ़ेंगे तो दोस्तों सफलता कैसे मिलेगी, ये तो है। सफलता पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, वो भी बहुत ईमानदारी के साथ। जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, मेहनत करने वाले का तो ईश्वर भी साथ देता है, मेहनत नहीं करता उसके ईश्वर भी साथ नहीं देता है, क्योंकि वो भी भगवान भी समझता है कि जो खुद की मेहनत नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या, में जो खुद की हिफाजत नहीं करेगा, जो खुद मेहनत नहीं कर सकता है उसका साथ कोई नहीं दे सकता है। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर से वापस मेरे साथ जुड़ जाइए और क्वेश्चन में आ जाइए। ये है, अब ये कह रहा था कि पांच, एक बटा पांच स्टूडेंट्स है, बीच में एक बटा पांच, एक बटा पांच का मतलब है कि साइडों में दो बैठे हैं और बीच में कितना बैठा है, एक। एक बटा पांच का मतलब कितना है, बीच में एक बैठा है और साइडों में दो बैठे हुए हैं। तो लिखने का तरीका इस तरह से नहीं बिठा के मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ कि भैया ये बैठे हैं यहाँ पे दो और ये बैठे हैं यहाँ पे दो और बीच में बैठा एक, समझ में आया। एक बटा पांच का मतलब ये है, तो यहाँ पे दो इधर बैठे हुए हैं, ये दो इधर बैठे हुए हैं और दो इधर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ दो दो बैठे हुए हैं और बीच में कितना बैठा हुआ है, एक, एक बैठा है, हो गया ना पांच, दो और दो चार, एक पांच,
एक बटा पांच हो गए, पांच में से एक। टोटल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज 5, इनके ऊपर एक स्टूडेंट से, एक बटा पांच का मतलब पांच में से एक ऊपर बैठा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करने का बताया था मैंने, दो की वैल्यू 30, यहाँ पे जो दो है इसकी वैल्यू 30 है, इस वाले टू की वैल्यू 30, टोटल्स इसको ऐड करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 + 2 इक्वल टू 30 + 50, 2 + 2 इक्वल टू 30 + 50, इनको ऐड किया तो जो कितने हो गए 4 = 80, इससे इसको काटा 1 = 4 × 8, यानी 1 = कितना है, 1 = 20, समझिए आप ध्यान से, 1 = 20, यानी कि जो बीच में एक स्टूडेंट बैठा है उसकी वैल्यू कितनी है, 20। दोस्तों यही आंसर आ गया, बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे, आंसर समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इजी है, आपके समझने योग्य है और समझ भी सकते हैं इसको, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं इसका, आ रहा आपको, तो दोस्तों ये जो मैंने बताया आपको कैसा लगा, समझ में आया होगा क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, हाँ तो आज की क्लास हम दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर इसी समय मिलेंगे, और तब तक के लिए जय भारत, जय जय हिंद, जय भारत।